हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक पैराजम्बल, और ये पैराजम्बल क्वेश्चन पूछा गया है SBI PO प्री में 14 जून 2019 को। ये एक रियल क्वेश्चन है और इसकी मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसा पैराजम्बल और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फोर्थ कमिंग IBPS PO प्री में और IBPS क्लर्क एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इस पैराजम्बल क्वेश्चन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप फ्री ईबुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं वोकेबलरी की और दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं englishiq.in। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पर SSC एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने CGL 2017 का प्री का पूरा वीडियो सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो इसको भी आप जरूर देखें। ये CPO और दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं, स्टेनो है, CPO है, CGL है, काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियो क्लासेस से। CGL 2017 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको इस साइट पर मिल जाएगा, तो ज़रूर इसको देखें और इससे आप फ़ायदा उठाएं। देखिए, ये है पैराजम्बल, और पैराजम्बल इसमें आप देख सकते हैं कि 5 सेंटेंसेस हैं, ABCDE। ठीक है, ये SBI PO प्री में पूछा गया है। और पैराजम्बल में कभी कभी, आजकल पैराजम्बल काफ़ी लंबे भी पूछे जा रहे हैं, जिसमें EF G तक सेंटेंसेस होते हैं, तो कभी कभी ये काफ़ी ट्रिकी होता है, लेकिन फंडामेंटल सेम रहते हैं। मैं इस वीडियो क्लास में आपको फंडामेंटल सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक पैराजम्बल को करना है। और पैराजम्बल बेसिकली है क्या? पैराजम्बल देखिए, एक आपकी एक लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट है। इसमें एक पैराग्राफ होता है, ये एक्चुअली ये पूरा एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अलग अलग पार्ट्स को जम्बल्ड अप कर दिया गया है, मिक्स्ड अप कर दिया गया है। यानी जो सेंटेंस फर्स्ट पर होना चाहिए उसको फर्स्ट पे ना होके थर्ड पर रख दिया गया है, जो थर्ड पर होना चाहिए उसको थर्ड पे ना रख के फर्स्ट पर रख दिया गया है, ऊपर नीचे इनको कर दिया गया है। तो आपको लॉजिकली इनको इनको प्लान करना है और लॉजिकली इनको सीक्वेंस में ला के एक लॉजिकल पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो एग्जामिनर इसके थ्रू आपकी लॉजिकल रीजनिंग को चेक करता है। अब लॉजिकल रीजनिंग को चेक करता है, लेकिन इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? इसको लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। देखिए, पैराग्राफ जो होता है सबसे पहले किससे स्टार्ट होता है? एक टाइटल सेंटेंस से स्टार्ट होता है, कोई भी आप जैसे ऐसे हो या पैराग्राफ हो, तो या कोई भी एक आर्टिकल आप लिखें, तो उसमें एक नॉर्मली एक टाइटल सेंटेंस होता है जिससे वो स्टार्ट होता है। और टाइटल सेंटेंस में नॉर्मली नाउन्स होती हैं, किसी चीज़ का नाम होता है, फिर उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रोनाउंस का यूज हो रहा है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। तो इस टेक्निक को अप्लाई करके ऐसे सेंटेंसेस जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट करके आप फर्स्ट सेंटेंस तक पहुंच सकते हैं। अब प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं? देखिए, प्रोनाउंस जैसे जैसे ही है, ठीक है, या शी है, या इट है, या दे है, या वी है, या दिस है, दैट है, देम है, दीज है, दोज है, ये सारे प्रोनाउंस हैं। ये किसी सेंटेंस में यदि आ रहे हैं तो वो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उससे रिलेटेड जो नाउन होगी वो उसके प्रीवियस सेंटेंस में जरूर आई होगी कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं इस टेक्निक को जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अप्लाई करके बताता हूँ। देखिए, अपार्ट फ्रॉम बर्नआउट मैनी ऑफ देम आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग। अब इसमें देखिए दो कीवर्ड हैं, एक तो यहाँ पर प्रोनाउन दिया है, ठीक है, और एक कीवर्ड है यहाँ पर ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब है कि ये भी, ठीक है, ये भी का मतलब है कि इससे पहले सेंटेंस में आपने ऑल्सो का यूज़ नहीं किया, दूसरे सेंटेंस में आप ऑल्सो का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये दो कीवर्ड हैं यहाँ पर, ऑल्सो दिया है और देम जो कि एक प्रोनाउन है वो दिया है, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ऑल्सो का क्या फंडा है? जैसे यदि आप बोलें कि आई लाइक क्रिकेट और उसके बाद आप बोलें कि आई ऑल्सो लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल वाला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्रिकेट वाला सेंटेंस ही फर्स्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो तो हम बाद में बोलेंगे। तो यहाँ पर दो कीवर्ड हैं, एक ऑल्सो है और एक देम है। इसकी मदद से हम ये इन्फर कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ये देखिए, अ रीसेंट सर्वे एम टू स्टडी द रिस्क ऑफ बर्नआउट अमंगस द जजेस एंड मजिस्ट्रेट हैज रिवील्ड सम ग्रिम फाइंडिंग्स। ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें एक रीसेंट सर्वे का जो कंक्लूजन है उसके बारे में इसमें बात की गई है। इसके अलावा इसमें कहीं भी कोई भी प्रोनाउन नहीं है।
इसमें हम जजेस एंड मजिस्ट्रेट जो जो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज कम हो जाती हैं, उसकी इसमें हम बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये वाला देखिए सेंटेंस, सी सेंटेंस ध्यान से देखिए, द लेवल ऑफ दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, दिस एक प्रोनाउन होता है, दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस मतलब कौन सा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, पहले हमने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की बात की होगी, उसी के बाद इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो इंडिकेट करता है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नाउन पहले आई होगी, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, तो हमने ए को एलिमिनेट कर दिया, सी को एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए इसमें देखिए, दो ऑल दीज, यहां पर भी प्रोनाउन है, ऑल दीज फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मतलब कंक्लूजन, लेकिन कौन सी फाइंडिंग्स, यहां पर हम बोल रहे हैं ऑल दीज फाइंडिंग्स, इसका मतलब ये है कि इससे पहले इन फाइंडिंग्स का कहीं ना कहीं मेंशन जरूर आया होगा, तो ये दीज वाला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए, दिस रिस्क ऑफ बर्नआउट, दिस आ गया इसमें, ठीक है, तो ये भी इलिमिनेट हो गया, ये भी इलिमिनेट हो गया, ये इलिमिनेट हो गया, और ये दो कीवर्ड की मदद से आपने इलिमिनेट कर दिया। यानी कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये सेंटेंस या ये पैराग्राफ जो स्टार्ट होगा ये बी से स्टार्ट होगा, इसमें केवल बी ही फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। ये रियल क्वेश्चन है एसबीआई पीओ प्री का, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इस समय ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और प्री में आईबीपीएस पीओ की जो तैयारी कर रहे हैं, प्री में डेफिनेटली एक ऐसा पैराजम्बल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से सुनिए। अब इसके बाद क्या आएगा, यहां पर देखिए, इसके बाद आप इस सेंटेंस को पढ़िए, द कॉन्स्टेंट हाई वर्कलोड एंड द हैरोइंग डिटेल ऑफ सीरियस क्राइम्स वर द टू मेजर कॉजेज फॉर दिस रिस्क ऑफ बर्नआउट। ए में हमने रिस्क ऑफ बर्नआउट की बात की है, यहां पर हमने रिस्क ऑफ बर्नआउट की बात की है, और यहां पर हमने उसी को फिर से मेंशन किया है, दिस रिस्क ऑफ बर्नआउट, ठीक है। तो दिस रिस्क ऑफ बर्नआउट मतलब जो बी में जो रिस्क ऑफ बर्नआउट है उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक कीवर्ड और है यहां पर, सर्वेड ज्यूडिशरी, बी में हमने सर्वे की बात की है और यहां पर भी हम सर्वे की बात कर रहे हैं, यहां पर हमने बर्नआउट की बात की है, यहां पर भी हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बी सेंटेंस ई सेंटेंस से या ई सेंटेंस बी सेंटेंस से बहुत ही स्ट्रांगली लॉजिकली कनेक्टेड है, और इसके साथ मिलके ये एक मैंडेटरी पेयर बनाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली बी के साथ ई ही आएगा। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ये मान सकते हैं या सोच सकते हैं कि देखिए यहां पर आपने फाइंडिंग्स की बात की है, ग्रिम फाइंडिंग्स, और यहां पर आप बोल रहे हैं दो ऑल दीज फाइंडिंग्स, तो कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि बी के बाद डी सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर आपने सम ग्रिम फाइंडिंग्स की बात की है, यहां पर ऑल वर्ड आया है, इसका मतलब ये इससे लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, यहां पर सम फाइंडिंग्स की बात की है, यहां पर ऑल फाइंडिंग्स की बात की है, तो वो ऑल फाइंडिंग्स कौन सी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो होगा ये बाद में आएगा, क्योंकि ऑल का मतलब है कि हम सारे फाइंडिंग्स को ले रहे हैं एक साथ, तो उन फाइंडिंग्स का मेंशन तो इससे पहले आना चाहिए, इसलिए ये कीवर्ड हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद यही सेंटेंस आ सकता है, बी के बाद ई आ सकता है, क्योंकि यहां पर हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं और यहां पर हम इसका रीजन बता रहे हैं कि इस बर्नआउट का रीजन क्या है। यहां पर एक कीवर्ड और आ रहा है, सर्वेड ज्यूडिशरी, ठीक है, तो बी के बाद यहां पर लॉजिकली ई ही आ सकता है। अब देखिए, चूंकि यहां पर हमने बर्नआउट की बात की है, फिर ए में भी हमने बर्नआउट की बात की है कि अपार्ट फ्रॉम बर्नआउट मैनी ऑफ देम का क्या मतलब है, मैनी ऑफ देम का मतलब है जो जो मजिस्ट्रेट्स और जजेज हैं उसकी इसमें बात हो रही है। यहां पर हमने मजिस्ट्रेट और जजेस की बात की है और यहां पर हम उनके लिए बोल रहे हैं मैनी ऑफ देम, ठीक है। यहां पर बर्नआउट भी एक कीवर्ड है और यहां पर मैनी ऑफ देम भी आ रहा है कि यहां पर हम बोल रहे हैं कि बर्नआउट तो है ही, लेकिन बर्नआउट के अलावा सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑल्सो भी एक कीवर्ड है, क्योंकि ई में हम क्या बोल रहे हैं, ई में हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं, तो ऑल्सो के द्वारा हम एक उसको एक एक्सटेंड कर रहे हैं कि ये भी इसका रीजन है। तो बी ई के बाद ए जो है ये लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहां पर हमने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की बात की है
और यहाँ पर हम एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के द्वारा इस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को फिर से मेंशन कर रहे हैं। दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, पहले हमने बोला साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फिर बोल रहे हैं दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो ए सी जो है वो ए से लॉजिकली कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं ऑल, क्योंकि ऑल का मतलब है कि हम सारे फैक्ट्स को, सारी फाइंडिंग्स को कंक्लूड कर रहे हैं। तो बी ई ए सी डी, ये आपका इसमें सीक्वेंस बनेगा, करेक्ट सीक्वेंस। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिकली कनेक्ट करके आपको बताया है, और फंडामेंटल यही रहते हैं, चाहे पैराजंबल में 5 सेंटेंसेस हो, 6 हो, 7 हो, फंडामेंटल यही रहते हैं। और डेफिनेटली इस टेक्निक को इस्तेमाल यदि आप करते हैं, ये टेक्निक ना हो के एक एक लॉजिक है, और एग्जामिनर भी लॉजिक ही आपका चेक करना चाहता है, तो इसको यदि आप अप्लाई करते हैं तो कठिन से कठिन पैराजंबल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यही ट्रिक है, यही लॉजिक है, और यही बेस्ट तरीका है, इसी तरीके को आपको अप्लाई करना है। अब इसके बेस पर आपसे कैसे भी सेंटेंस पूछे जाएं, आप उसको कर देंगे। देखिए, सेकंड सेंटेंस कौन सा है रीअरेंजमेंट के बाद? सेकंड सेंटेंस ई है, ठीक है, लेकिन ई कहाँ पर दिया है? ई फोर्थ में दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है। लास्ट सेंटेंस क्या है? लास्ट सेंटेंस डी है, लेकिन डी कहां पर दिया है? सेकंड में दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड। फोर्थ सेंटेंस क्या है? फोर्थ सेंटेंस आपका देख लेते हैं यहां पर, बी ई ए सी, सी आपका फोर्थ सेंटेंस है, लेकिन सी कहां पर दिया है? सेकंड में, तो इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड। फर्स्ट सेंटेंस आपका बी है, तो यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। थर्ड सेंटेंस ए है, तो इसमें आंसर होगा आपका, इसमें आपका आंसर होगा फिफ्थ। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को, इन पैराजंबल क्वेश्चंस को आपको करना है। ये एक रियल पैराजंबल क्वेश्चन है, ठीक है, और एस बी आई पी ओ प्री में ये पूछा गया है। तो इस तरह में सारी सारे क्वेश्चंस को, बैंकिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं और इवन एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं टेक्निक बताता हूँ आपको कि किस टेक्निक से आप बेस्ट तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ताकि आप कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को आप कर सकें। और यही लॉजिकल टेक्निक्स आपको अप्लाई करना है यदि आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं या एसएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं। और यही रैंकर्स और टॉपर्स की टेक्निक्स हैं जो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बताता हूँ प्री और मेंस के लिए। मेंस में भी आपको यही टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। देखिए, इस साइट पर जाके आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं, एग्जामिनी डॉट इन। यहाँ पर एक्चुअली मेरी पेड क्लासेस चलती हैं, एग्जामिनी डॉट इन। और इसके अलावा इंग्लिश आई क्यू डॉट इन एक वेबसाइट है, ये भी मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट और फ्री ई बुक्स और फ्री PDFs आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।